लक्षद्वीप, ये जो शब्द है ना, ये ना सिर्फ इंडिया, इवन मालदीव्स और कई कंट्रीज में लगातार ट्रेंड कर रहा है पीएम मोदी की इमेजेस के बाद। जब से पीएम मोदी गए हैं, 9th मोस्ट सर्च्ड हो गया था जिस समय ये आर्टिकल हुआ गूगल सर्चेज में, और बाद में वो नंबर वन सर्च बन गया था इंडियंस के लिए गूगल पे, नंबर वन लक्षद्वीप। मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में, और उन्होंने जिस तरह की कल्पना हमने तो की भी नहीं थी, कल्पना से बाहर उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। क्या कहते हैं कि इस एज में आपके जो फेवरेट लीडर है वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉकस्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। अगर वो लीग उन्होंने दिखाई है ना आज, तो उस लीग पे हजारों लोग आएंगे देखने के लिए कि मोदी जी इधर आए थे, और इतनी खूबसूरत आप फिश देखें, कितनी प्यारी प्यारी कलरफुल फिश है उनके बीच में, मोदी जी स्विमिंग कर रहे हैं। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था, इस दिसंबर को, दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की, हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज ही नहीं उड़ रहा, पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मोदी जी ने लक्षद्वीप का जैसे ही दौरा किया और टूरिज्म को प्रमोट किया, साथ के साथ ही टूरिस्ट का लक्षद्वीप में पहुंचना शुरू हो गया है, और मोदी जी के इस विजिट के बाद लगातार 2 दिन लक्षद्वीप गूगल सर्च पर नंबर वन ट्रेंड कर रहा है। अब मालदीव्स को समझ आ रहा होगा कि जो भारत देश उनकी हमेशा से मदद करता है, उनको छोड़कर चाइना के पीछे भाग रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम भी अच्छा है, क्योंकि भारत में ही टूरिज्म को प्रमोट करें, जो भारतीय जनता फॉरेन में जाकर, मालदीव्स जाकर और बीचेस पर जाकर पैसा खर्च करते हैं, वो अब भारत के ही आइलैंड्स पर जाकर, बीचेस पर जाकर पैसा खर्च करेंगे, जिससे वहाँ पर टूरिज्म प्रमोट होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मूव कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था, इस दिसंबर को, दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की, हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज ही नहीं उड़ रहा, पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा। 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। 10:30 बजे सुनना, 10:30-11 बजे हमें जहाज से नीचे उतार दिया, नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 बजे हमें फिर दोबारा जहाज में बैठाया, 2 बजे फ्लाइट उड़ी, हम मलेशिया चले गए। 20 तारीख को मेरी वापसी थी, तो 20 को हम बड़े तैयार त्यूर होके कि अपने मुल्क जा रहे हैं, पता चला जी 20 की PI की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, ये 24 तारीख को आएगी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर जो सुबह से टाइम मिलने लगा, 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, जे मलेशिया के टाइम पे ठीक 11:15 बजे जे मलेशियन टाइम पे उतरी है। क्या कहते हैं कि इस एज में आपके जो फेवरेट लीडर है वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। जी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए इससे पहले ना फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूछे किस तरह, एक तो देखे स्विमिंग कोई आसान चीज नहीं होती, जो भी स्विमर है जो स्विमिंग करते
करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो खुद बताएंगे कि स्विमिंग के लिए बड़ा फिट होना चाहता है, सांस चाहिए आपको उसमें स्विमिंग करने के लिए। फिर मोदी जी क्या फिट नजर आ रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और क्या वो मतलब अपना स्विमिंग कर रहे हैं, और उसमें मछलियों में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज लाजमी ये देखें कि किस तरह वो स्विमिंग कर रहे हैं, मछलियां मछलियों में तैर रहे हैं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखें वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें अगर मोदी जी उधर गए उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जांपल दी जाती है मोदी जी की, और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े, और एक चाय वाला जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है और लोगों को यकीनन, और इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के इल्जाम नहीं है। बिल्कुल एक कहना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इधर जायदाद बना ली या उधर कोई प्रॉपर्टी है या मुल्क से बाहर कुछ है, तो बिल्कुल ये सब चीजें तो डेफिनेटली है। और हमने उनका वो सफर भी देखा जो गुजरात के जमाने में एक उनके ऊपर एलिगेशन लगी थी, और फिर हम बोलते थे इवन पाकिस्तानी पैनलिस्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने वाकई में पढ़ा देखा सुना, आप जैसे लोगों को भी सुना, तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था, और काफी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी लोग अब तारीफ करते हैं मोदी जी की। मतलब है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड में भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते हैं, और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे प्यारा करने जो कमियां हैं उधर। अभी देखिए रिसेंटली मोदी जी अभी एक जगह पे गए, अयोध्या का विजिट कर रहे थे, उधर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अभी देखिए चाय के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ी बात चली थी, अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ उन्होंने दिया है सिर्फ उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जो चाय की आप बात कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है बताएंगे, मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए उधर ना पता नहीं कितने हजार सिलेंडर जो है गरीब करोड़ों में सिलेंडर गरीब लोगों को बांटे गए, फ्री दिए गए। अच्छा वो सिलेंडर तो दिए, अब मोदी जी क्या करते हैं, ये क्लास होती है सर, हर बंदा ये नहीं कर सकता। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला।